अगली खबर की ओर, यमुना नगर की जुगादरी अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बदलाव, जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब के कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह पहुंचे और उन्होंने समर्थकों को कहा कि जल्द ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अनुराग ढांडा को भी इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया था लेकिन वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। हैरानी की बात तब सामने आई जब यह कार्यक्रम समाप्त हुआ तो आम आदमी पार्टी समर्थकों के लिए खाने की व्यवस्था आयोजकों की ओर से की गई थी लेकिन जब खाना वितरण का समय आया तो रैली में पहुंचे लोगों को खाना सही ढंग से उपलब्ध नहीं हुआ। उसके कारण कुछ लोगों को तो खाना आसानी से मिल गया लेकिन कुछ लोगों को अन्न का एक दाना तक भी नसीब नहीं हुआ और वहां पर खाली पेट ही सुबह से बैठे रैली में से वापस अपने घर लौट आए। चांदराम, इरफान और मायाराम जैसे आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने कहा कि आज वह सुबह से ही जुगादरी अनाज मंडी में अपने नेताओं का भाषण सुनने के लिए पहुंचे थे। ना तो उनके नेता अनुराग ढांडा वहां पहुंचे और ना ही उन्हें इस रैली में खाना नसीब हुआ। यमुनानगर से राजीव कुमार की रिपोर्ट। चांदराम जी, खाना नहीं मिला आपने? खाना जहाँ जी सिस्टम खराब है, सिस्टम से देखते हुए कभी तो मिलता खाना, आवश्यकता लग रही है, खबर है नहीं किसी को, खाना तो उन्होंने बना रखा घर पर लेकिन सिस्टम नहीं है ना, सिस्टम से देखते ना वहीं बैठे बैठे लोग। सिस्टम कोई अधिकारी आया यहाँ पे आपको खाना नहीं मिला? कोई कोई नहीं आया है यहाँ, धक्का बिल्ली भी आपके सामने सारे यहाँ धक्का बिल्ली में लगे हुए जनता यहाँ कमी है यहाँ पे नहीं कमी तो सर सिस्टम तो सही है, खाना तो पूरा बना हुआ है लेकिन खाने वालों का सिस्टम नहीं है जनाब। अरे देखो लाइन में लें तो स्टैंडिंग लाइन में लगे तो लें सिस्टम से, तभी तो बात बनेगी ऐसे तो।